everyone, this is Mansi from evidyadi.in. Now coming to question number 2. So question number 2 mein hamare paas hai, find the value of the unknown interior angle. Last question mein aapko exterior angle nikalna tha, isme aapko interior angle nikalna hai in the following figures. So first part hamare paas ye hai, isme x kahan pe hai? ये इंटीरियर एंगल है, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर आपको निकालना है. सो हम सेम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लेट्स सी हाउ. सो यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट. ये हमारी एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. सो इसको अप्लाई करके हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, 115. सो ये हो गया 115 डिग्री इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर. अब इसके ऑपोजिट ये दोनों है, मींस ये 50 डिग्री प्लस एक्स, यही होगा. ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. सो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो जो हमने चैप्टर नंबर 4 में जैसे इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. x यहाँ पे है, सो इसके साथ जो 50 है इसको इधर भेज देते हैं. सो दिस विल बी 115 माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू x. नाउ लेट्स सबट्रैक्ट दिस, 115 माइनस 50. सो 5 माइनस 0 इज 5. Then 11 minus 5 is 6. So, ये कितना आ जाएगा? 65 degree. So, x equals to 65 degree. और हमें find क्या करना था? x. तो x की value आ गई 65 degree. अब चलते हैं second part पे. So, now, second part में फिर से आपको exterior angle given है, interior angle निकालना है. Same property use करेंगे. Exterior angle equals to sum of two opposite interior angles, that is 70 and x. So you get 70 degree plus x. So abhi ho jayega 100 minus 70 equals to x. Now x equals to aa jayega 100 minus 70 is 30. So x ki value aa gayi 30 degree. Fine, now let's come to the next part. So now coming to the थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में अगेन आपके पास इंटीरियर एंगल आपको निकालना है, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है. फिर से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो दिस विल बी, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक्स, और यहाँ पे नहीं गिवन, पर ये साइन से हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है. सो ये हो गया एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 125, बिकॉज ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है और ये एक्सटीरियर एंगल है. सो नाउ एक्स आ जाएगा 125 माइनस 90, ठीक है. लेट्स सबट्रैक्ट दिस, 5 माइनस 0 इज 5. नाउ 12 माइनस 9 इज 3. सो ये कितना आ गया, 30 डिग्री. मतलब एक्स आपके पास आ गया 30 डिग्री है. एक्स आपको फाइंड करना था. सो अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे. अगेन इंटीरियर एंगल x, एक्सटीरियर आपको 120 गिवन है और दूसरा एंगल 60 डिग्री. सो अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से दिस विल बी x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है. सो नाउ x इक्वल्स टू 120 माइनस 60 मींस x आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री. फाइन, 120 माइनस 60 इज 60, तो x की वैल्यू आ गई 60 degree. So now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Again fifth part में आपको x निकालना है, exterior angle given है और आपको एक ये वाला angle given है. So now again x plus 30 degree equals to 80 degree. Why? Because of the exterior angle property. So this x is equal to 80 minus 30. अब 80 में से 30 माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम 50 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, सेम चीज है. ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसके दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, दैट इज x प्लस 35 इक्वल्स टू
75 degree, again reason being exterior angle property. Then x equals to 75 minus 35. Let's subtract this. 75 minus 35, 5 minus 5 is 0 and 7 minus 3 is 4. Now x ki value aa gayi 40 degree. So angle x is 40 degree. Fine. So this was question number 2, and with this we complete our exercise 6.2. If you have any doubt, any query, please leave it in the comments below, and also subscribe our channel for regular updates. Bye bye.